जहां उत्तर प्रदेश के मुखिया हर घर बिजली पहुंचाने की बात करते हैं, साथ ही गरीब लोगों को मुफ्त विद्युत कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं, तो वहीं हापुड़ में एक मोहल्ला ऐसा भी है जहां मोहल्ले में रहने वाले 100 परिवारों में से बिजली तो दूर कॉलोनी में बिजली का एक खंभा भी नहीं है। ऐसी भीषण गर्मी में लोग बिना बिजली के ही अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। इस बारे में वहां के सभासद के पति और कॉलोनी वासियों ने कई बार संबंधित अधिकारियों और ऊर्जा मंत्री तक को शिकायत देकर विद्युत लाइन खिंचवाने की गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक कॉलोनी में विद्युत आपूर्ति पहुंचाने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए गए हैं। इन सबसे आजिज होकर सभासद पति ने दर्जनों महिलाओं और पुरुषों के साथ मिलकर नगर पालिका स्थित अधिशासी अभियंता के कार्यालय के मुख्य गेट पर रास्ता बंद कर भूख हड़ताल पर बैठ गए, साथ ही विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस पूरे मामले में सभासद पति ने कहा कि हम लोग इस कॉलोनी में पिछले 10 वर्षों से रहते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक भी वहां न तो बिजली की कोई आपूर्ति दी गई है और न ही जो एक कॉलोनी में बुनियादी सुविधाएं नगरपालिका द्वारा होनी चाहिए वो दी गई हैं। हम लोगों ने इसकी लिखित शिकायत जिलाधिकारी हापुड़ से लेकर विद्युत मंत्री तक से की है, लेकिन अभी तक भी इसमें कोई भी राहत हम लोगों को मिलती दिखाई नहीं दे रही है। हमारा धरना और भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे न मान ली जाए। ये जो लोग बैठे हुए हैं, बिजली की समस्या है,